नमस्कार। देश के समसामयिक अवस्था, किछ राजनीतिक विषय वस्तु और किछ अभियान, अर्थात जे अखन देश में विभिन्न प्रकार के अभियान सब चल रहा है, ये अभियान संगे जोड़ कर आइ हम सब बातचीत करब। हम सब अ बातचीत में अतिथि के रूप में आइ आमंत्रित कैने छियन रमन पांडे जी के। रमन जी, अखन जे राजेंद्र महतो के नेतृत्व में मधेस क्रांति अभियान छे या राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान छे, हुनकर एकटा ओहि अभियान के अभियानकर्ता छथि और बहुत लंबा समय से हिंदी के क्षेत्र में हिंदी अभियानी के रूप में अपना के परिचित करै छथि, जे हम हिंदी अभियानी छी। हिनका संगे हम सब ई तमाम परिस्थिति, अर्थात किछ राजनीति, किछ हुनकर व्यक्तिगत जीवन चरित्र और किछ ई अभियान के विषय के जोड़ कर बातचीत करब। तो सबसे पहिने स्वागत करी रमन जी के। रमन जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र रमन जी। अपने के नेपाली भाषा है ना, जे अपना सबके खास कर के राष्ट्रीय भाषा से, अई राष्ट्रीय भाषा से इतिक चीर किया, आई हम सब अही ठाम से शुरू करी छी, अन्य विषय पर सेहो प्रवेश करब। ई चीर अहाँ के किया दिखाई? कहाँ चीर हो, तो नहीं है हमरा नेपाली भाषा से। नेपाली भाषा देश में 133 भाषा से ऊपर भाषा नेपाली भाषा है, लेकिन दुर्भाग्य जे कि एके गो भाषा के नेपाली भाषा कह के परिचित करा ले गेल। तो विभेद के विरुद्ध में जीवन संघर्षमय है, तो वो विभेद है ना, तो एगो भाषा ही नेपाली भाषा, बाकी भाषा कहाँ के भाषा, बंगाल के भाषा तो ना है, नेपाले के भाषा है। तो सिर्फ एगो गोरखाली भाषा, खस भाषा के नेपाली भाषा कहल गेले, जे सर्वथा ये अनर्गल प्रचार है। अ देश में 133 गो भाषा नेपाली भाषा है, जे भाषा में राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय 133 गो राष्ट्रीय भाषा है। वही में से सिर्फ एके गो भाषा के सरकारी कामकाज के भाषा बना देल गेले, जे अनर्थ है, जे गलत है, ओकरा ठीक करा पड़ते। अइ देश के जोड़ वाला भाषा, खास भाषा जेकरा नेपाली भाषा बना देल गेले, ओ भाषा एगो सीमित वर्ग समुदाय के अपन मातृभाषा कहियो, ओकरा लादि के पहाड़ के जोड़ वाला संपर्क भाषा तक स्वीकार कर जा सके छे। लेकिन मधेश के जोड़ वाला तो भाषा कहियो रहबे निकल न, जबरदस्ती मधेशों के वो बंधन से घेर के कोशिश कल गए, जबकि मधेसे में नहीं, एक समय में देशे में हिंदी भाषा संपर्क भाषा के बाज के जना, मतलब बाज से हर्ज किया हुए है ना, बाजू हमरा अपना पास अपन भाषा है, अपन भेष है, अपन राजनीतिक इशू है, हम दोसर के भाषा तो तब बजबे ना हो, जब हमरो भाषा को भाज देते, जब हमरो भाषा को सरकारी काज भाषा बनाते। पहाड़ क्षेत्र में जाई छिए, पहाड़ क्षेत्र में जाई छिए, हिंदी बजी छिए। वो जे व्यक्ति जे अपने संगे कोनो आदमी संवाद करिए जी, तो वो हिंदी में संवाद करिए, वो अपन भाषा बजी छै, कभी हिंदी बजी छै, कभी खास भाषा बजी छै। त अहाँ के कहियो काल क नेपाली भाषा बाजे में समस्या की? नहीं, हम जान कनी बजै छी ना, हम एगो आंदोलनकारी छी ना, हम तब तक ई खास भाषा नहीं बाजब, नेपाली भाषा त हम नहीं कहब। नेपाली भाषा त जेहने खास भाषा तेहने हिंदी भाषा, तेहने मैथिली, तेहने बजिका, तेहने अवधी, तेहने मगही, सब नेपाली भाषा। देखू, खास भाषा हम तब तक नहीं बोल के प्रण करने छी जब तक देश के मधेश के समूचा मधेश के मधेश पहाड़ के आ भारत नेपाल भारत के जोड़ वाला जो संपर्क भाषा है, परंपरागत भाषा है, हिंदी भाषा है, अपन हिंदियो भाषा के खस भाषा के समकक्ष सरकारी काज भाषा के मान्यता जब तक देश के राज्य व्यवस्था में कहियो बजने छी कि नहीं नेपाली? खूब बजने छी, किला नहीं बजने छी, 1990 से पहले 2047 अघन 8/31 से पहले टूरी खेल में जब सद्भावना के आम सभा पर प्रहार होइ छै, जे दिन हमरा सबके सर में टाका पर ओहि जगह हमरा सबके मार पिटाई होइ हिंदी, ओहि दिन हम प्रण कैली कि तोहर भाषा तब तक नहीं बजबू जब तक तू हिंदी नेपाली के समकक्ष सरकारी काज भाषा के मान्यता नहीं देबी। तो वो प्रण के आय करीब 33 वर्ष भ गेलै। जकरा जय चीज के लक जी, अर्थात या जे अभियान में लगली ने, तो की होई छी कि कोनो भी अभियान के एकटा प्रेरणा के स्रोत व्यक्ति होई छी जी, कोनो अभियान के जी, तो वही रूप से अहा के अभियान के सेहो प्रेरणा के स्रोत मूवमेंट भेले सर। ठीक छे, हम अपने के कह रहल छी जे मूवमेंट के नेताजी सब अगुवाई केलखिन, वा राजेंद्र महतो जी होइत, बा अनिल झा जी होइत, नाम कहू ना, गजेंद्र नारायण सिंह होइत, बद्री मंडल होइत, लगायत के ने,
ओ सब नेपाली बाजल के तो अही की आए हैं कट्टर भ गेलिए के बेर कि हमरा नहीं बाजे के बाप बा वो तो पूरा अछोप भाषा अपने के पहले निवेदन के लिए ना कि भाषा कोनो अछोप नहीं होछे भाषा सब आदरणीय है लेकिन एगो ई प्रण अइला आलै जे 2047 साल अघनाठ के 24 नवंबर 1990 के पूरी खेल में नेपाल सभा पार्टी आम सभा के काठमांडू में आयोजन करले जे प्रहार कलके जे के गोर खाली नस्ली राज सत्ता प्रहार कलके जे तोरा हिंदी में जे भाषण नहीं कर देबो प्रहार कलके वो जे के हमर सब के नेता सब प्रहार करके हम सब छात्र नेता रही विद्यार्थी नेता रही वो जगह तो वो प्रहार हमरा बर्दाश्त नहीं भेल तो हम अपन प्रण कैली और प्रण में ई हमर प्रण भेल जे कि जब तक तो हिंदी के मान्यता ई देश में नहीं मिलती सरकारी काज भाषा के रूप में बिल्कुल खस भाषा के समकक्ष कनिको ऊपर नीचा नहीं एक एक भाषा कैला सरकारी काज भाषा हिंदियो भाषा कैला नहीं सरकारी काज भाषा जे हिंदी भाषा मेची से महाकाली के जोड़ी छे जे हिंदी भाषा नेपाल पूरा नेपाल के जोड़ी छे तो खसो भाषा रहो आ हिंदियो भाषा रहो तो प्रण कैली तो प्रण चूंकि अभी तक पूरा नहीं भेली तो हम वो मूवमेंट एगो एहन रहे जे कि वो मूवमेंट के समय में वो मूवमेंट से एहन प्रेरणा भेली जे बर्दाश्त तो हम प्रण कैली हमर सबके नेपाल सभा पार्टी के प्रारंभिक मांगू रही ना कि हिंदी के नेपाली के समकक्ष राष्ट्रभाषा माने खस भाषा के समकक्ष राष्ट्रभाषा का दर्जा मधेसी के नेपाली सेना में समूहगत प्रवेश फेडरलिज्म संघीय शासन व्यवस्था के स्थापना मधेसी के 50% बाहर के जनजाति के 30% के आरक्षण व्यवस्था यावत जे हमर सबके ओ समय के इस मांग रहे नागरिकता समस्या के समाधान ई जे मांग रही गजन बाबू के नेतृत्व में नेपाल सभा पार्टी बाबा राम जन्म तिवारी रामचंद्र मिश्र लगायत के नेता सब श्यामलाल मिश्र राशन प्रसाद चौधरी ई सारा के सारा ओमे सहयात्री सब अहाँ के बुझले हुए नाम ले लिए राजेंद्र महतो अनिल कुमार झा हृदय त्रिपाठी लगायत के लोग हम सब भी विद्यार्थी के संस्थापक लोग हम जी तो ई तहिया के पार्टी के भी प्रारंभिक विषय रही मांग रहे जे अखनियो वही जगह है उ किनको आगा पाछा कुछ बात कह जाए तो रमन जी जेना अपनी कहलिए ना जिन जिनका जिनकर नाम लक जे जे मुद्दा के नाम लक कहलिए वो पार्टी तो समाप्त भइए गेले शुद्ध भगत समाप्त हो गेले पूरे समाप्त हो गेले नेतो सब कत छथिन ओकरो ठेकान नहीं छे सत्ता के लोभ के कारण समाप्त हो गेले सत्ता के मलाई खाए के चक्कर में नेपाल सभा पार्टी बर्बाद क के धल गेले सत्य है सत्ता के मलाई हम सब भोगले छी ना 13 बेर 14 बेर पार्टी सब के टूटे देखलिए अपना के बैलेंस राख के देखलिए सब सिर्फ सत्ता के एक वह तो हम लोग वह विषय पर जोर हम आ के की चाहे जी जे एकटा संकल्प ले लिए ठीक छे एकरा हम जय रूप से विश्लेषण करी अहाँ के आगा में घटना भेल हेते अर्थात वही समय में के सांसद वही समय के मंत्री बा वही समय के पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर कोनो प्रकार से या आंदोलन में ओकरा जेकरा जे स्वरूप में अहाँ के पसंद शब्द जेना हो ओकरा बुझाई जेना बुझियो पार्टी निर्माण के क्रम में रहे जेना बुझियो वही में भेले अहाँ सन जका व्यक्ति सब ओकरा एकटा प्रण ल लेलकै जे अखन धरि तक अहाँ मानो छी ये यथावत छी जे नेता के पाछा अहाँ सब लाग कलिए वो प्रण ले लिए वो नेता सब त मुद्दा के बिसरले वो अलग विषय छै पार्टी तक समाप्त भ गेले तै अवस्था में अहाँ के अखन धरि त अभियान के या अहाँ अपन प्रण पर जीवंत छी लेकिन ई जे दृश्य देखे छिए ओही दृश्य में अहाँ के फीलिंग की हुई है अनुभव की है जे एहि रूप से जेकरा लेल हम कैली ओहे आइ नहीं छी दुखद कारुणिक बड़ा तकलीफ होइए लेकिन ओहि तकलीफ के अपना पर हावी नहीं हो दै छी अच्छा अच्छा पुस्तक पढ़ै छी देखै छी जे भारतो में बहुत जचंद मिर्जाफर जन्मले अहू जे जन्मले होइ छै अखनिए देखियौ ओतेक तन्मयता के साथ सब कोई के अपने सबके सहभागिता है कि ओते तन्मयता के साथ देश में मधेश विद्रोह भेलै केना बिक गेलै केना सत्ता से जाकर शासन सत्ता के चौखट पर काठमांडू में जाकर मधेश से ऊर्जा प्राप्त करब आ ओकरा जाकर नस्ली राज सत्ता के चौखट पर जाकर गिरवी रख देब तो ई की होइ छै कि कहीं भी जे एगो निर्माण के क्रम होइ छै शासित शोषित जे वर्ग समुदाय होइ छै ओकरा साथ धोखा होइ छै ई होइ छै दुनिया के इतिहास से अहू जगह धोखा भ रहल है ई धोखा भ रहल छै कि या ई सब मुद्दा के विसर्जन कर रहल छै हाँ विसर्जन देखल जाए होइ छै कथी कि सत्य इहे है कि दुनिया में विलम्ब होइ छै लेकिन कोई भी इशूज जे इशूज के शुरुआत भ चुकल होइ छै कोनो समाज में कोनो वर्ग समुदाय में ओ विसर्जित कभी नहीं होइ छै ओमे विलम्ब होइ छै
ओहिमे विलम्ब भाई छै जे चीज हमरा सबके आइसँ 10 बरस पहिले प्राप्त भऽ जाइते छलै। हमरा याद है कि संहिता के जब घोषणा भेलै तऽ विकृत संहिता के घोषणा भेलै। विकृत हम सब दै लए कहै छियै जे 22 जिला के निकल रहै एकरा पृष्ठभूमि में जाय से पहिने हम एगो चीज अहाँ के संगे मात्रे की जोड़ चाहब जे जखन संविधान के घोषणा होइत रहे एकर पृष्ठभूमि में या ओहि समय में जे मीडिया सब में जे विचार आयल छै या अवस्था के वर्णन कयल गेल छै ओहिमे राम तात्कालीन राष्ट्रपति रामवरण जी अहाँ के अनिच्छुक रहथिन जे मधेस अइ हिसाब से जे रहल छै हम संविधान जारी नहीं करब। हुनकर अपन एकटा इच्छा रहै ओहि के परिस्थिति एगो अलग निर्माण भेलै लेकिन संग संग एकटा रामवरण जी के कहाँ हमरा मतलब अपने हमरा बुझि पड़ै वीरेंद्र बाबू जे अपने कोनो दोसर पत्रिका पढ़ै छी देश में हम कोनो दोसर पत्रिका पढ़ै छी हमरा तो कहियो नहीं देखलिए रामवरण जी अइ दुआरे हम अइ दुआरे जोर चाहि रहल छी जे ओ किछु दिन पहिले ओहि से पहिने कृष्ण सिटौला संसद में जाकर कहलखिन जे सावधान यदि कोनो आदमी मतलब इंकित रूप से राष्ट्रपति पर प्रहार रहे वा इंकित कने रहथिन जे अगर अहाँ संविधान जारी नहीं करबै तो अहाँ के हम हटाबे के भी क्षमता रखै छी। ताहि से ई भेलै जे रामवरण जी के इच्छा नहीं छै जे ई परिस्थिति में संविधान जारी कैल जाए है ना हुनकर ताहि दुआरे ई एकटा हम परिस्थिति अहाँ के जोड़ लेकिन कनिका हमरो बोलत जबकि रामवरण जी के कहल गेल अपने जेना कहल जाइ छै जे अहाँ के नहि जारी करबै तऽ अहाँ के हटा देब तऽ हटा देब हटा देते हटि जेतै देखल जाओ कारण जे यदि ठीक छै हटा दीते तब मधेस केंद्रित दल जेकरा हम संसद बना के पठेलिए संविधान जारी करला यदि ओकरा असहमति रहे तो वो संसद में जाके किया नहीं असहमति व्यक्त कलके सड़क पर जाकर नौटंकी किया कलके बिल्कुल बिल्कुल गलती कल के अपने के हम अपने के हम निवेदन करी जे कि अपने के की बुझाइए कि मधेसवादी दल जे यहाँ तक कैले रहे कि चुनाव बहिष्कार कैले अपने के याद हो पश्चिम में चुनाव बहिष्कार रह गेली पूर्व में लोग चुनाव में भाग ले इहो उपेंद्र जी लगातार पाछा पाछा फिर हमर सबके तहिया के नेता महन ठाकुर जी रहथिन पाछा लागल ओहो चल देलखिन। हमरा ई कह के है जे कि अरान के साथ प्रस्तुत होवे वाला नेता के कमी वास्तव में मधेस में आज तक होइत रहलै होइत रहलैए। हमसब अपने आप चूँकि राजनीतिक पार्टी से अखनी तक राजनीतिक पार्टियों ने है एगो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति हमर सबके अभियान है हमरा नहीं याद है विगत 33-34 बरस में जे कहियो भी सत्तामुखी अपन विचार हम केंद्रीय कार्य समिति में रखने हो पदाधिकारी के नाते या तो सब दिन संघर्ष के बात कैली तब तक संघर्ष के बात के पक्ष में रही कि जब तक संपूर्ण रूप से ए देश के मधेसी पहाड़ के आदिवासी जनजाति अधिकार सम्पन्न नहीं भ जाए लेकिन बीचे से आदमी की करे छे कि उस सत्ता भत्ता के यात्रा शुरू कर दी छे तो हम सब अल्पमत में पड़ जाए छे। सत्य इहे है सत्य है कि मधेस विद्रोह जते चरम उत्कर्ष पर पहुँचल रहे जे तरह के ह्यूमन चैन बना के लोग साथ देले रहे तो ओकरा कंटिन्यूटी ओकरा यदि ईमानदारी से यदि कुछ दिन और आगा ल जाल जेतै तो ए देश में मजाल नहीं चली जे कि मधेस आई अधिकार विहीन रहती पहाड़ के जनजाति अधिकार विहीन रहती धोखा तो भेल ना वो आ धोखा हमरे सबके अगुआ दिलकै ना दिलकै एकर मूल्यांकन भ रहल इतिहास समीक्षा कर रहल है तो उस कलकै लेकिन एक अर्थ ही ना है जे मुद्दा समाप्त भ गेलै व्यक्ति समाप्त भ जेतै एक दिन कुछ दिन के लेल वो अपन ठीक है सत्ता के मलाई में डूबतै अ तरह से मधेस के भावना के साथ खिलवाड़ करतै शोषित पीड़ित के भावना के साथ खिलवाड़ करतै लेकिन मुद्दा समाप्त भ जेतै ई मुद्दा समाप्त नहीं होते मुद्दा में विलम्ब जरूर भ रहल है विलम्ब भ जेतै अहि के कारण जे अपने कहली ना ई हौसला के बात जो कुछ लोग 22 जिला में बीज के रूप में ई मुद्दा के लक जिंदा है एक समाप्त नहीं हो देल जेतै चाहे लाख एकरा ए पर जातिवाद के असर प्रभावित करवा देल जाए या समुदायवाद के असर में एकरा ल लेल जाए ई कुछ दिन के लेल ई सब तरह के बादल से ई विषय समाप्त नहीं होते हमरा सबके याद है मतलब फिर आदमी के आंदोलन करबे फिर आदमी फिर आदमी मरते फिर नेता सब सत्ता में जते फिर मधेस के संगे 5 वर्ष खेलवाड़ हेते फिर वो अवस्था यह है। आप अपने के हम इहे कमिटमेंट राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान के जब जब बैठक होइ छै तो हम सब स्पष्ट रूप से आश्वस्त होइ छै अपन केंद्रीय नेता से या हम सपना में छलफल करै छी कि फिर हम सब सत्ता भत्ता के तरफ अग्रसर होबै तो ओ आश्वासन देल जाइ छै कि नहीं कुछ सिर्फ और सिर्फ अधिकार पहचान सम्मान के लेल ई आंदोलन होतै अंतिम संघर्ष होतै अंतिम मुक्ति क्रांति होतै अइके बाद देश में आंदोलन नहीं करब पड़ती तो अइके गारंटी तो हम तो खोजते रहै छी हर एक जगह
अपने 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 इस शब्द जे कहल जाय छी त तकलीफ होइए जे फेर से आंदोलन करबोबे फेर से मरबोबे लोक कह रहल छै हम नै कह रहल छी हमर नै हमर आब अहाँ सड़क पर अपने लोके के प्रतिनिधित्व करै छी श्रीमान अखन सड़क पर अपने उतरल जाओ आ अपने एक आदमी के कहियो जे हमरा मधेश के मुक्ति या मधेश के अधिकार के आंदोलन करे के एक आदमी अहाँ संगे नै आयत कैला कि अहाँ सबके विगत के क्रियाकलाप हमरा पता है लेकिन अपने के हम साथ साथ कहे हम अपने के साथ साथ कहे एकर गारंटी होबे पड़ते केकरो शौक ना है जे हम गुलामी के जंजीर में जकड़ल अपन जीवन व्यतीत करित रही अपन तकली कैली बालो बच्चा के करवावित रही नेता जरूर धोखा दिलके नेता जरूर धोखा दिलके अभियो दे रहा है लेकिन एक अर्थ नहीं कि यीशु कमजोर है यीशु समाप्त भ गेल है हम सब देखली न विगत के दिन में काठमांडू में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के आंदोलन में फागुन 16 गत्ते के स्पॉन्टेनियस 10,000 आदमी जुट गए 24 गत्ते के लाखों लोग जुट गए लेकिन एक गारंटी होबे पड़े छे जे नेतृत्व धोखा दे देत धोखा बहुत भ गेल धोखा हमरा पता है जे कि लोग एना सामान्य रूप से कहला से निकलहू के नहीं चाही एक तरफ जैसे लोग अधिकार पहचान सम्पन्न हो वाला आंदोलन कलके या दोसर तरफ ओकरा भजा कर लोग सत्ता भत्ता में अपना के केंद्रित कलके तो ओहन आदमी के आह्वान पर निकल होके नहीं चाहिए लेकिन नहीं निकलला से तो नहीं होते कर ही पड़ते तो एके लेल चेतना के साथ अगाड़ी बढ़ा पड़ते ये आंदोलन तो करे पड़ते न एक बिना तो उपाय नहीं ना कब तक हम सब सिर्फ मतदाता करदाता मतदाता बन कर जिंदा रह कर 18 गो राजदूत में अपन चेहरा एना कर सर उठा कर खोजित रहिए एको गो नहीं भेटत 77 गो CDO में खोजित रहबी एक आधो गो नहीं भेटत 80 गो से ऊपर सचिव में मधेसी के चेहरा खोजबी एको गो नहीं भेटत तो एक कारण की है कि हमार सब के नेतृत्व कमजोर है सच पूछी छी बहुत कमजोर नेतृत्व है साहब एगो मंत्री पद के लेल एगो छोट छोट नियुक्ति के लेल अपना के बेच दे छी सब ओहन आरान वाला आदमी जब जगह पर पहुंचते ओहन आरान वाला नेता जब जब नेतृत्व आरान वाला नेता सड़क पैदा करती उस सड़क पैदा करती देख लो उस सड़क पैदा करती उस सड़क परीक्षा दकर बारंबार परीक्षा दकर बहुत लोग यहाँ है उस सड़क पैदा कर देती कि सड़क पैदा कर देती अखन ये बांग्लादेश के अपने के घटना देखलिए ना अखन ये जो नोबेल शांति पुरस्कार से पुरस्कृत उनको नामो कहीं छलिए पब्लिक स्टूडेंट खोज के हुनका भी ला रहा है अभी फ्रांस में इलाज करवा रहा है तो पब्लिक पैदा सड़क सड़क जो है ना सड़क जो है से सच्चा आदमी का स्थापित करते वो सच्चा आदमी नेतृत्व करके ये देश जो है से राज्य के नेपाल सबके नेपाल बनाते अखनी तो एगो के नेपाल है ना एगो के नेपाल है और एगो के ना एगो खास वर्ग समुदाय नस्लीय राज्य सत्ता के संचालन भ रहा देश में सिंह दरबार आई 270 बरस से एगो खास वर्ग घुमा फिरा कर सत्ता के केंद्र में आ कुछ कुछ प्रसादी बाँट दी मधेश के नाम पर फलना के कौन हक रही एक सबके हो कौन हक रहे जाके नेता सबके 22 जिला के 8 जिला में केंद्रित कर देवे ये हक रहे पहले वही दिन हम सब जनक चौक पर कौन सभा कहने से आइयो हमारे पास वो रिकॉर्डिंग है अपने कहा तम कहा 22 जिला के 8 जिला में केंद्रित कर का चचक मुख्यमंत्री कौन मंत्री कौन मंत्री ये हक रहे तो चूंकि वह सत्ता में जाके रहे बार्गेनिंग कर जते जल्दी हो तते जल्दी शपथ ग्रहण करके अपन काम चला लेवे रहे ओकरा सब के इलाज होते जे जे मधेश विद्रोह के साथ धोखा कल के ना उ धोखाबाज सब के इलाज होते कुछ दिन तक वो जात के नाम पर समाज समुदाय के नाम पर वर्ग के नाम पर ठक ठुक का काम जे चला ले सारा इलाज के लिए वातावरण बन रहा है। रमन जी अब हम सब कनी बात करी यहाँ के जे अभियान है ना जी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान जी अई पर बात करी छी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान के मुख्य लक्ष्य पर बात करबे तो वो कह रहा हम स्वदेशवाद विचार स्वदेशवाद पहचान स्वदेशवाद तीन को आधारभूत विषय के अगाड़ी बढ़े राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभी काज कर रहा है में अपने के स्वदेशवाद बहुल राष्ट्र राज सामुदायिक समाजवाद तीन को अवधारणा लग तो स्वदेशवाद जो है इसे पूर्वीय दर्शन पर आधारित हमारे अपने के जो पूर्वज के समय से जो पूर्वीय दर्शन है ये आयातित कम्युनिज्म आ कैपिटलिज्म के विरुद्ध है जते व्यवस्था हमारा अपने के देश में अभी सब आयातित व्यवस्था है एक तबका कम्युनिज्म के बैनर में काम कर रहा है एक तबका कैपिटलिज्म के बैनर में काम कर रहा है दोनों आयातित व्यवस्था है आ वही पर से एक सबसे होली वाइन के छत्ता में सब आबद्ध भ गए तो कम्युनिज्म आयातित कम्युनिज्म कैपिटलिज्म आ होली वाइन से प्रभावित भाकर ये सब नेपाल के जो दुरावस्था कल के एक विकल्प में आज तक 270-80 बरस से सबके नेपाल बन ही नहीं दिल्क
सीमित वर्ग समुदाय के नेपाल बना के रखल के बाकी के मतदाता करदाता बना के रखल के तेकर विस्तृत अध्ययन करित करित एमे भीतर प्रवेश करित मतलब अहाँ सबके जे विगत के आंदोलन जे छला ने मधेशवाद या ओ असफलता के दिस उन्मुख भेला के बाद ई अहाँ सब एकटा नया एजेंडा लेलिए या एकरा ई कहू ना जे ई फल असफल भ गेले नै निक लगले दोसर फल हमरा ई लिए ई खाऊ उहे छै की होय छै कि अपने जना कहल जाय छै एहन तरह के चित्रण होय छै मधेशवाद के जे विषय रहै से विषय बहुत पवित्र विषय मधेशवाद के जे नीति नियत सिद्धांत जे रहै बहुत पवित्र उद्देश्य के साथ काम कयले गेल लेकिन ओहि मे अपने देखने होबै जे अपने कोनो एहन आंदोलन नहि जाहिमे अपने अग्रणी रिपोर्टिंग मे नहि छी कि एहि मधेशवाद के आंदोलन जब उत्कर्ष पर पहुँचय लगलै तऽ एहिमे बहुत तरह के आयातित छद्मवेशी नेता सब ओहिमे प्रवेश कर गेलै कोई कांग्रेस के स्कूलिंग वाला बड़का बड़का नेता कहवला कोई कम्युनिस्ट के स्कूलिंग बड़का बड़का नेता कहवला तो विभिन्न तरह से आयातित दिमाग वाला आदमी सब प्रवेश कर गेली आ वो आंदोलन के हाईजैक कर लेलकै ओकरे परिणाम भेलै जे कि हमर सबके मधेशवाद के आंदोलन जे है से अधूरा रही गेली वो प्रमुख कारण मतलब मधेशवाद अहाँ सबके मधेश एना कहू ना मधेशवाद शब्द पर आब अहाँ सबके अपने स्वयं विश्वास नहीं रह गेल जे के कारण से स्वदेशवाद के एक नया स्वरूप दिलिए एक नया आवरण दिलिए स्वदेशवाद मधेशवाद वो एक विषय है ना केना भी एक विषय हम अपने के बताबै छी कि मधेशवाद से तो 1% भी हम सब दाहिना बमानी भेल छी वही मधेशवाद के असफल करब के जो कोशिश भेलै ने देश में तो अपने के हम कहली ना कि आयातित लोग सब ओहिमे एलखिन अपन अपन तरीका से डिजाइन करके एकरा कमजोर टास्के ओहन रहै होमवर्के ओहन रहै आई हम सब महसूस करै छियै हमरा सन के आदमी के नामो सब कह में दिक्कत ना है लेकिन नाम नहीं कही सार्वजनिक मीडिया के एगो ई होई छे लेकिन त्यागी सवाल त्यागी त्या कोई त्यागी नहीं जीवन भर सत्ता भत्ता का मलाई खाए वाला त्यागी होई सत्ता नहीं खाए वाला के आई सत्ता नहीं खाए वाला के ऊ कहै छी अपने के हम ओय पर जाई एक एक आदमी के हन मधेश केंद्रित जे तई त मधेश तई त मधेश के ई दुरावस्था भेले तई त मधेश के द्वारा अहाँ सब पर विश्वास नहीं भेल त एकटा स्वदेशवाद तई त दुरावस्था त हम सब जब बैठी छी त राजन महतो से बात होई तो वो कहल खेल कि नहीं गलती भेले स्वीकारी छथि गलती भेले अपने राजेंद्र महतो जी की किताब पढ़ने छे हां सब पढ़ने छे पढ़ने छे कतौ स्वीकार नै छथिन गलती भेल कतौ गलती स्वीकार नै छथिन सुनल सुनल जा ना अखनी हमरा सबके जे बात हुई राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के इशू पर तो हम सब एगो बात में सतर्क छी जे कि ई सत्ता केंद्रित विषय नै सिर्फ आंदोलन केंद्रित विषय के लका गाड़ी बढ़ा पड़त तो आई तक मधेश असफल कैला है देखल जा अहां सबके जनता आई तक हम कह रहल छी सर अहां सबके जनता अहां जेई आवरण में आओ पहले मधेश के संगे जे जे धोखा कहने छे वो माफी नहीं मांगबे तहां स्वदेश बात कौन कौन बात जे जे बात करो अहां के जनता ने पतिया अपने के बात सम सहमत छी पतिया हो के नहीं चाहिए 80% जे आम जनता हो छी स्वतंत्र हो छी कोनो राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हो छी हम अपने के स्वीकार ला कहबो नहीं करी छी जनता जब तक विद्रोही नहीं होती तब तक ई देश बांग्लादेश नहीं बनते ई देश अफगानिस्तान नहीं बनते ई देश श्रीलंका नहीं बनते मतलब सुन ले मतलब अराजकता देश सुन ले ना ना बिल्कुल अराजकता देश नहीं हिसाब लेबे पड़ते ककरा से हिसाब लेबे पड़ते ककरा से अहां से अपन हमरो से लेबे पड़ते अपन नेता से लेबे पड़ते किला नहीं लेबे पड़ते जे कि तोरा पर विश्वास करके हम अपन आंदोलन कैली एते शहादत भेल एकरा बदला में हमरा की मिलल ई लेबे के जे दिन क्षमता भ जेतै जे के जनता में उहे क्षमता पैदा करे के लेल हम सब आगा बढ़ रहल छी आई मधेशवाद के जे आंदोलन रहै ओकरा पहाड़ विरोध के आंदोलन कहि के प्रचार कर देल गेलै मान लेल जाओ आई हम देखै छी कि आई नेवार के धरती से एना एना छी सर एकर प्रचार करे के कारणो या रहै एकर प्रचार करे के कारणो या रहै मतलब की कहै छी अन्य मतलब अन्य बात करू ना जेना चूरे क्षेत्र में आंदोलन भेले चूरे भावर प्रदेश में आंदोलन भेले ना किछ दिन मधेश के एकटा एंगेस्ट में आंदोलन भेले भेले एकदम है ना भेले ओई में या चूरे क्षेत्र में जे पहाड़ में आंदोलन भेले या पहाड़ से ओमर जाके भेले कतौ अहाँ के जनक के कतौ विद्यापति के प्रतिमा नहीं तोड़ल गेले जी तोड़ल मधेसे में गेले भानुभक्त के तात्कालीन राजा के मधेसे में तोड़ल गेले प्रतिमा से दुम ईर्षा होबे लगले तब लोग ई बुझे लगले जे कतौ कतौ अहाँ के जाकर जे पहाड़ी समुदाय रहे मधेसी से के मतलब मधेश में रह वाला मधेसी समुदाय ओकरा सबके टारगेट करे लगले तो तै दुआरे लोग बुझ गेले जी आंदोलन जे अहाँ सब जे कर रहल छी आंदोलन से पहाड़िया
विरुद्ध के केन्द्रित आंदोलन से मधेसी अधिकार के लिए नहीं चाहिए से लोग के आम बुझाए अहाँ सब निर्माण कर दिए लोग के नहीं बुझाए रहे कांग्रेस एमाले के जो लोग सब मधेस में विचरण करे छे ना वो सब बहुत ट्रेंड हो छे ना हैं तो कांग्रेस एमाले माओवादी सब के जो कैडर सब है सब इतने ट्रेंड है जो इस तरह से मधेस विद्रोह के एगो गलत प्रचार के स्थापित अहाँ के बुझल है अहीं के जिला के सुनल जा सुनल आप विषयांतर भाजा आप कहने का आप वीरेंद्र हो विषयांतर भाजा हम अपने के वही गंभीर विषय पर अपने के निवेदन करना चाहे छी जे मधेस विद्रोह सफल भेली के असफल भेली ओकरा एक मिनट अपने किनारा रखल जाओ हम दोसर विषय कहे छी जतने उपलब्धि भेली मधेस जन विद्रोह से ओकरा संस्थागत करे वाला नेता के अभाव भ गेलै आप देखल जाओ हम वही जा चाहे अहाँ के जिला के अहाँ के जिला के अभिराम शर्मा जे हम व्यक्ति के नाम लगा बात करू ना ओ आज अहाँ के नाम लेब हम बड़े बड़े नेता के विरामे बनान जी के विरोध के लिए अपने एक लाइन उच्चारण के लिए हम कथी राम कुमार शर्मा के नाम लेब बजाओ उपेंद्र यादव के ना पहले हम अपने अपने सैद्धांतिक बात कर जाओ ना सिद्धांतिक बात यह है कि हमारा मधेस में अपना मधेस में हमारा अपने के मधेस में नजर से नजर आँख से आँख आई टू आई कॉन्टेक्ट कर बात कर वाले नेता के अभाव भगल काठमांडू में बैठल जो सिंह दरबार में नसलीला सत्ता है ओकरा सामने नजर से मिलावा के कैला अभाव भाई जाना जाए ओकरा जाते लोभ भाई छे कि हमरा एगो मंत्री बना दे हमरा कोनो जे बढ़िया नियुक्ति द दे ई त्याग के भावना से जब तक कोई जे नजर से नजर मिला के हाथ पकड़ के अपन समानुपातिक अधिकार के बात करे वाला लीडर नहीं पैदा होते ना तब तक एना किस्ता किस्ता आदमी के मरित रह पड़ते किस्ता किस्ता में मरित रह पड़ते साहब तो हम अपने के कहे छी ते के मतलब फिर आंदोलन कर फिर आदमी के पास जब तक मजबूत ओहन नेतृत्व नहीं रहते जे नेतृत्व अपने के कोई शर्त पर अंगद के जना पाँव अपने के जमलै लंका के राजा के दरबार में तो ओहन पाँव जमा के खड़ा होवला नेता जब तक पैदा नहीं होते ना तब तक एहिना जैसे किस्ता किस्ता में मधेस बिकाइत रहती जना बिका रहा है तो इहे तो पैदा करके है इहे जुनून तो मधेसी के भीतर पैदा करके है जेकि एहन नेता के लका अपने नेता बनू सड़क नेता पैदा करते जो ओकरा से सीधा अपने की संहिता जका कहै छी कमिंग टुगेदर गेटिंग सेपरेटली स्वायत्तता के बात कर सके हाथ पकड़ के स्वायत्ता के बात कर सकते देश के 78% राजस्व दे वाले मधेस के भूमि मधेस के भूमि कैला कृपा के पात्र बन रहते कैला कृपा पर चल रहते कैला मधेस के निर्णय दोसर वर्ग समुदाय के लोग करते आँख से आँख मिला के बात करे वाला 25-30-50 बरस जेल के लिए तैयार हो पड़ते देश में होते है संभव देर भेली अंधेर नहीं भेली एते शहादत सैकड़ों शहादत है कि चारगो मंत्री बनला से शहादत जैसे कि एना रही जाते बर्बाद हो जाते बात कल जाते सर जना गाम घर में जाए लोग के दुख है नहीं हम की पूछा चाहिए रहल छी बुझा चाहिए छी जना गाम घर में जाए छी है ना अपने के रहल छी हम 22 वर्ष तो नेपाली बजबे नहीं करी छी 22 वर्ष भी अपने के कहलिए 1990 यानी कि 47 साल से जोड़ल 33-34 बरस भाषा नहीं बोली नेपाली नेपाली अपने कहला नेपाली तो हिंदियो है ना साहब नेपाली तो मैथिलियो है ना बजिको है ना अवधियो है ना मघियो है ना मारवाड़ियो भाषा नेपाली भाषा है ना गाम घर में जाय थेबे राय लिंबू गुरु गाम घर में जे जाय थेबे त लोग ई पूछे थे तहा सा कि रमन जी अहाँ एते दिन से मधेस मधेस बात के लिए है ना सत्ता भी भेले मधेस एक परिवर्तन भेले जे हे विकृत अहाँ के हिसाब से संघीयता भेले संघीयता अलै जे जे चीज अहाँ सब कहने रही ना है ना किछ आरक्षण के आरक्षण भेले मधेसी के अहाँ के अखनो आयल छै कर्मचारी में किछ प्रतिशत वृद्धि भेले है विगत से जे पहले नहीं रहै छलियो ई सब भेले लोग ई नहीं पूछे जे रमन जी अहाँ के की भेटल नहीं कोई नहीं पूछे हिम्मते नहीं करी जाने छे कि आदमी जैसे कुछ लेवला निकल ना न लेवला निकलल है आदमी लोग के पता है हमारे सर्किल है ना जे लगते लोग हमारे जाने छे कम से कम हजारों लोग तो जाने छे थे 33 वर्ष में दर्जनों बेर हमरा कोई ना कोई पद पर स्थापित करने की कोशिश कर गई से सुन ले जाओ आई से महीना दिन पहले मैं नीति आयोग के लिए जबरदस्ती तंग कर गई एक से एक नेता आ उ चेयरमैन फेर में त कथा आबे रहो फल भली कथा आबे रहो भली एक बार चल जाओ ना एक बार गेला के बाद में आ के आहा जे 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 मानो ना एक मिनट के रछी नीति नीति अपने कली नीति आयोग है ना हम कह रहल छी सर नीति आयोग आहा के नीति बना क जे स्वदेश बात के लागत चाह रहल छी ओकर उ एक कार्बन करे के बहुत प्रकार निकाय छी लोग एला ने पूछी छथिन सुनल जाओ ना कि ड्रास्टिक रिवोल्यूशन जे शब्द है ना आमूल परिवर्तन करे नशे अलग तरह के आमूल परिवर्तन करे के है या तो स्वायत्त मधेस एक देवे पड़ते नहीं तो सुन ले जाओ
बाध भ जतै जब एहन अवस्था स्वायत्त मधेश नहीं देतै त अइ देश में ई बहुराष्ट्रीय राज्य के बात एहना हम सब के लिए तब तो नेपाले नहीं रहती न तो एहन कह वाला एहन कर वाला अ के डिजाइन पर काम कर वाला कुछ आदमी तो चाहिए ना ओके लेल बचा के हमरा सन सन सैकड़ों लोग है मधेश में देश में पहाड़ में मधेश में पहाड़ जनजाति क्षेत्र में हम जन छी सैकड़ों लोग के अपना के वो स्टेबलाइज रेंज के तरह रखने छोड़ के ना देवे हो 34 बरस के हमरो लगानी है ना लगानी कोनो ई पद फद यंत्री मंत्री झंडा मधेश के स्वायत्त करा लगी लगानी लगा रहा छी ना ई मधेश के स्वायत्त करे पड़ते मधेश के जातीयता से ऊपर उठाव पड़ती धार्मिकता से ऊपर उठाव पड़ती मधेश के समुदाय से ऊपर उठाव पड़ती सबके मुँह से ही निकल पड़ते ये सबसे पहले मधेसी छी जे दिन ई निकालने में सफल हम सब भजबी बोली ते दिन सारा अधिकार ल लेबे नहीं मधेश तो है ना अपना आप में उर्वर भूमि है 250-300 वर्ष से देखे छे पहाड़ के लोग के हम सब फ्री में बैठा के भोजन करा रहा छे हम सब ना करदाता मतदाता छे तो उन नज़र के साथ ओकर हाथ पकड़ के अभी का अभी रखो मेरा अधिकार तो ये अवस्था औते ना आई के इंतजार में वो मान ले जाओ वो चीज़ प्रभावित नहीं करी तो कोई मित्र नहीं पूछे सब जाने छे ये सब एगो वीर योद्धा है वीर योद्धा के किए जाते पूछा कैला पूछते कौन लेना देना है तो नहीं पूछे बिल्डर बाबू आ हम सैकड़ों एहन योद्धा के जानी छे टीम बन रहा है धीरे धीरे टीम बन रहा है धीरे धीरे तो वही अवस्था में जाकर वही के लिए आई हम सब एक तरह से बुझल जाओ गोलबंद भ मधेश के विषय पहाड़ के लोग बुझे पहाड़ के विषय अय के लोग बुझे मधेसी के समस्या नेवारी उठा दे राय लिम्बू गुरुंग उठा दे तो एगो छोट मोट माहौल बन रहा है कोशिश से वो कर रहा है कोशिश है मान लीजिए राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति एगो कोशिश है जो आयातित कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के विरुद्ध में स्वदेशवाद बहुराष्ट्रीय सामुदायिक समाजवाद के अगारी बढ़ो एगो कोशिश भर है एहन एहन एगो इक्विपमेंट से देखल जाओ लेकिन मूल में यह है कि हम मधेसी छी हम सब मधेसी छी मधेसी देश में गुलामी में जकड़ल है एकरा अपन अधिकार पहचान चाही बिल्कुल 53% अधिकार चाही फिर हमरा आश्चर्य हो कि नेता सब केहू कहते रहे कल परसों हम एगो स्टेटमेंट देखने छलिए एगो नम्हरे नेता के तो कहलखिन 18 राजदूत में 18 राजदूत में हमको फलाने वर्ग समुदाय का चेहरा नजर नहीं आ रहा हमरा बड़ा दुख भ जाइत रहे चेहरा खोजी से दू गो एगो 18 में सीधा हिसाब है 10 हमर ओहिना अधिकार है 10 तो अधिकार है 53% हम कहे आ 10 के साथ साथ ही 2-3 बरस से हमरा जे बहु समुदाय हमर सब हिस्सा जे खा गेल तो सूद ब्याज के देते उस सूद ब्याज के हिसाब करत मूड में जाए पड़ते कि जेकि अखनी तो आप जो 300 बरस से हमरा मतदाता करदाता बना के रखलक जे बड़ो समुदाय तो तोरो हम कोनो चीज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समुदाय संवैधानिक निकाय के प्रमुख कोनो पद तोरा नहीं देबू हम 250 बरस मंजूर हो तो मधेश के साथे रह आ नहीं हो तो हमर मधेश के जान छोड़ दो हम काफ़ी संसाधन हमारा मधेश के साथ पास है तो अ तरह से वो हम 18 राजदूत में चेहरा खोज जबे 77 सीडियो में चेहरा खोज जबे ओकर सैलरी हम दे छिए साहब 78% के राजस्व के देवे वाला हमर मधेश सैलरी देवे वाला हम अ देश के नेपाली सेना के पोसे वाला हम अ देश के सुरक्षा निकाय के पोसे वाला हमर मधेश आ हम अपन चेहरा खोज कैला है हमर कमजोर नेतृत्व के कारण है साहब एगो छोट भर के इतना भर के झंडा हिलाब में बिकाय वाला के कारण हमर सबके अवस्था है संविधान के स्वीकार के कारण है कौन जरूरी है संविधान के स्वीकार के साहब वो मधेसी पर गोली चला कर मधेसी के मार कर मधेश के जे संविधान से अपनत्व नहीं स्वीकार के हम चुनाव में चल जाए तो कहे न सबसे पहला धोखा हमारे मधेशवादी नेता सब देने चलो सर धन्यवाद थैंक यू प्रणाम।